ये छात्रों का नाचना इस तरीके से नहीं है। जी हाँ, आज आपको बता दें कि जेईई के रिजल्ट आए हैं, जिसमें कि नारायणा इंस्टीट्यूट के बच्चे ने ऑल इंडिया टॉप किया है। उसके बाद क्या था, नारायणा के तमाम इंस्टीट्यूट पर इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली, जहां दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली के नारायणा इंस्टीट्यूट पर किस तरीके से बच्चों ने सेलिब्रेट किया, और साथ ही साथ यहां पर मिठाइयां बांटी गई, और बच्चों को यहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने यहाँ पर बच्चों की जो तारीफ है वो करी, और किस तरीके से जो बच्चे पढ़ाई करते थे उनके बारे में बताया। बच्चों के अंदर का ये उत्साह देखते ही नज़र आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरीके से बच्चों ने पढ़ाई करी और जो बच्चों ने रिजल्ट छोड़ा था उससे ज़्यादा रिजल्ट आया, और इसी वजह से नारायणा इंस्टीट्यूट के बच्चे ने ऑल इंडिया टॉप किया है। आपको बता दें कि नारायणा इंस्टीट्यूट के 5 बच्चे जो हैं वो 10 में है, टॉप 10 में 5 बच्चों ने ये जो है पोजीशन हासिल करी है। वहीं नारायणा इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो जो जेईई की परीक्षा थी उसमें बेंगलुरु के रहने वाले छात्र ने, बेंगलुरु के रहने वाले आर के सिसर ने ऑल इंडिया में पहला स्थान लाया है, जबकि दूसरा स्थान रोहित रेड्डी ने लाया और बाजी मारी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से नारायणा इंस्टीट्यूट लगातार जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई जिस तरीके से बच्चों को करा रहा था उसमें इस बार अव्वल दर्जे पर पहुंचा है नारायणा इंस्टीट्यूट। वाइस प्रेसिडेंट के लक्ष्मण ने बताया भी कि किस तरीके से बच्चों ने तैयारियां करी थी, और उनको पहले से आभास था कि किस तरीके का उनका इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आना है, उसको लेकर ही पहले से तैयारियां करी गई थी। यहाँ पर देखिए शिक्षक जो है छात्रों का मुँह मीठा कराते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर छात्र जो हैं बेहद खुश हैं क्योंकि छात्रों ने भी पूरी तरीके से तैयारियां करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आपको बता दें शुरुआत के टॉप 10 में 10 छात्रों में से 5 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई नारायणा इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही करी थी, और दिल्ली के ब्रांच में भी जेईई के रिजल्ट के बाद छात्रों ने जमकर सेलिब्रेट किया। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर छात्रों को मिठाई कराई गई, उसके बाद छात्रों को यहाँ पर उनका जो अभिवादन है वो यहाँ पर दिया गया, उनको बाकायदा यहाँ पर मुबारकबाद जो है वो यहाँ पर देते आ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के लक्ष्मण। किस तरीके से यहाँ पर नारायण इंस्टीट्यूट के अंदर जो माहौल है वो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तैयारियाँ करी गई थी नारायण इंस्टीट्यूट की तरफ से, और जो रिजल्ट सोचा गया था वो रिजल्ट भी पूरी तरीके से यहाँ पर आया। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताज़ातरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsoninews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसो न्यूज़ की खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आरसो न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की खास रिपोर्ट। आरसो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बच्चों को, नारायणा सिस्टम को, उनके पेरेंट्स को और सारे जो वेलविशर्स हैं नारायणा के, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ये रिज़ल्ट है नो डाउट, ये एक दिन का मेहनत नहीं है, जो मेहनत नारायणा लगातार करता है सिस्टम को लेके, ये सिस्टम का जीत है। बच्चों का ऊपर जो भरोसा है नारायणा सिस्टम का, और बच्चों ने जो भरोसा करके नारायणा सिस्टम में बढ़ते हैं, ये उसका जीत है। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा जर्नी है, रैंक 1 ऑल इंडिया, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, हर किसी का ड्रीम होता है, उसके साथ एक सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 4, रैंक 8 एंड रैंक 10, मीन्स टॉप 10 में 5 रैंक के साथ 50% का शेयरिंग अकेले नारायणा ग्रुप परफॉर्म करके अपने आप को फिर से साबित किया है कि सिस्टम इज द सुप्रीम इन द नारायणा ग्रुप। देखिए, बच्चों जैसे भी पढ़ाई करते हैं नो डाउट टैलेंटेड तो होते ही हैं, पर बच्चों को सही दिशा दिखाना, सही तरीके से उसको सिस्टम बनाना, सही तरीके का स्टडी मटेरियल देना, सही लेवल का टीचर उनको सपोर्ट करना, और पढ़ाई के साथ साथ उसका डाउट्स एंड नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन करवाना, ये एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है ताकि इसके पीछे जो रिज़ल्ट बनता है। और ये सिस्टम हमारा नारायणा का एक पहला बेसिक सिस्टम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्कूल एंड कॉलेज का भी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग एकेडमिक चलाते हैं, ये पैरेलली हमारे ये रिज़ल्ट है जो हर साल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो जो सिस्टम हमारा बना रखा है, चाहे वो माइक्रो शेड्यूल हो या स्टडी मटेरियल्स हों या हमारे असाइनमेंट्स हों या हमारा ऑल इंडिया टेस्ट्स हों, कहीं ना कहीं ये बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिलाता है जो बच्चों को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। इसके बाद एक सबसे बड़ा जो USP है नारायणा सिस्टम में, जो बच्चों को एरर लिस्ट प्रोवाइड कराता है,
जिससे बच्चों को ये समझ में आया था कि कौन सा एरिया में कौन सा क्वेश्चन में कितना उसको मेहनत करने की ज़रूरत है, कितना उसका गलत हो रहा है, कितना उसका सही हो रहा है। ऑल इंडिया लेवल पे उस क्वेश्चन को कितने बच्चों ने सही किया और कितने बच्चों ने गलत किया, तो ये कंपैरिजन है बच्चों को डेफिनेटली एक स्टैटिस्टिक्स बताता है कि ताकि इसको किस डायरेक्शन में पढ़ने की ज़रूरत है। और इसका मेहनत हम पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं, माइक्रो शेड्यूल लेवल पे हम लोग चीज़ों को बना कर रखते हैं और बच्चों के अकॉर्डिंगली हम लोग सपोर्ट करते हैं, जिसका ये रिजल्ट है। एग्जाम के समय कुछ बच्चों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था इस बार का पैटर्न जो था वो थोड़ा ज़्यादा टफ था, तो किस तरह से आप पहले इसको तैयार करते हैं? सर देखिए, बच्चों का क्या एक्सपीरियंस है? सर IIT का पेपर डेफिनेटली जो कि इंडिया का सबसे टफ पेपर माना जाता है, क्योंकि ये जो सिलेक्शन होता है IIT में ये सिर्फ टैलेंट का नहीं होता, ये पेशेंस का भी होता है जिसके अंदर डेवलप करने की कोशिश किया जाता है। तो इस बार का पेपर डेफिनेटली थोड़ा टफ था, लेंदी था, कैलकुलेटिव था, जिसके चक्कर में बहुत बच्चों का गलतियां हुए हैं, अनएक्सपेक्टेड गलतियां हुए हैं। तो बहुत अच्छे बच्चे थे जो काफ़ी परफॉर्म करने चाहिए थे वो भी नहीं कर पाए, बट ये जो बच्चे अपने आप को पेशेंस के साथ IIT पेपर को फेस करते हैं, जिसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, जो काफ़ी ठहराव सिस्टम के साथ आगे बढ़ते हैं, डेफिनेटली वो बेटर स्कोर करते हैं। और उसी का ये नतीजा है जो टोटल 307 मार्क्स लाके जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है, तो इसी का यही नतीजा है और जिसका ये प्रैक्टिस काफ़ी दिनों से करके रखा था। और ऐसे बच्चों के साथ जनरली हमारा ये कोशिश रहता है ताकि वो एग्ज़ाम के टाइम में वो मेंटली काफ़ी पीसफुल रहें, काफ़ी पैनिक ना हो। और लास्ट कम से कम 20 दिन तक हम लोग कभी भी कोशिश नहीं करते कि नया क्वेश्चन वो अटैम्प्ट करे, नया एरिया को वो टच करे, नया एरिया को वो स्ट्राइक करे, जिससे वो डिप्रेशन की चांसेस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ को हम बैलेंस करते हुए चीज़ों को डेवलप करते हैं और जिसके बेसिस पे ये बच्चा का ये रिजल्ट है। सर अपने इंस्टीट्यूट टॉप 10 की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली 5 रैंक हैं, 1, 2, 4, 8 and 10। एंड टॉप 100 में अभी तक जो रिजल्ट हमारे 42 सिलेक्शंस हैं एज़ पर डेटा कंपाइल्ड सो फार। तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट का कंपाइलेशन ऑल ओवर इंडिया हमारा अभी चल रहा है, जो कि शायद आज रात तक कंप्लीट होगा, तो टुमारो वी विल कम विद द टोटल फिगर। बट एंड ऑफ द डे सर ये एक ऐसा सेलिब्रेशन है ऑल ओवर इंडिया टू नारायणा, नॉट ओनली द क्वालिटी रैंक बट ऑल्सो द क्वान्टिटी रैंक हर सेंटर में, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, चाहे वो हमारे कॉलेजेस हों जहाँ इंटीग्रेटेड सिस्टम हम लोग काम कर रहे हैं, हर जगह पर बच्चा डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ स्कूल एंड कॉलेज एग्ज़ाम भी काफ़ी बेटर करके परफॉर्म किए। सर ये RKCC जो टॉप किया है ये कब से नारायणा से जुड़ा हुआ था, कब से ये थे? सर ये हमारे इंटीग्रेटेड सिस्टम में 8 साल से जुड़ा हुआ था, ये हमारे पास 8 साल से पढ़ रहा था और ये इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ हमारा स्कूल एंड कॉलेज में भी ये पढ़ा हुआ है, राइट। उसके बाद काफ़ी सारा इसका एजुकेशन हमारा कोचिंग सिस्टम से भी इसको मिला है। एंड कहीं ना कहीं ये बच्चा जो हमारा CO कैंपस हम लोग जो डेवलप करते हैं उस कैंपस में ये पढ़ रहा था, जो बैंगलोर में पढ़ रहा था नारायणा में, और ये बच्चा बैंगलोर का है। दिल्ली में कितने टॉपर्स? दिल्ली में हमारे पास बिलो 100 2 रैंक्स हैं और ओवरऑल अभी तो कंपाइलेशन चल रहा है, दिल्ली का जो बेस्ट रैंक हमारा गया है दैट इज़ 58। अच्छा क्वेश्चन है आपने पूछा, डेफिनेटली ये सारे क्लासरूम के ही बच्चे हैं, क्योंकि जनरली नारायणा सिस्टम अपने आप में बना हुआ है जो इंटीग्रेटेड मॉडल पर रन करता है, तो जितने भी बच्चे होते हैं जनरली क्लासरूम के बच्चे होते हैं, बिकॉज हम उसको बहुत ज़्यादा क्लासरूम की तरफ एनकरेज करते हैं क्योंकि उसका इंटीग्रेटेड सिस्टम में स्कूल परफॉर्मेंस भी हमारे लिए मैटर करता है। तो हम इसको डेफिनेटली क्लासरूम के ही थ्रू एनकरेज करते हैं और हमारा ही किया हुआ मटेरियल, माइक्रो शेड्यूल, क्वेश्चन पेपर या जो कंटेंट जो डेवलप करते हैं दैट इज़ थ्रू आर क्लासरूम ओनली, एंड दिस इज प्राउडली सेइंग दैट इज ऑल आर क्लासरूम स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिशिर, आई सेक्योर्ड अ वंडरफुल रैंक इन IIT JEE Advanced 2022। दिस हैज ओनली बीन पॉसिबल ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स, माय हार्ड वर्क एंड द नारायणा कॉलेज इन सकारनगर। I give my thanks to my teachers, my principal and my dean who have helped me throughout this journey. I have been in the Narayana system from 8 years. From 6th class to 10th class, we had in the Narayana system, we had a brush up of the basics so that we could attempt exams like NTSC, Olympiads, etc. These helped to strengthen my basics so that in 11th class and 12th class, I could attempt more harder problems and I could ace the JEE Advanced exam easily. In 11th and 12th, we had online classes which went smoothly because of NLearn and online exams which were held every week, and because of that, we have less pressure to attempt the exams.
we had error analysis after every exam so that we'll be confident with the things we don't know after the exam. I once again give my thanks to my teachers, principal and my dean for this wonderful run. कितने रैंक इस बार जो है आपके आए हैं? 2000 के अराउंड रैंक आई है. और जो अभी कितना टफ मानती हैं इसको? नहीं, एग्ज़ाम्स तो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्क्स आप लूज कर देते हो. तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा एवरेज रहता है बट नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप लूज कर देते हो. ओवरऑल पेपर मुश्किल आते हैं. इस बार का जो रिजल्ट आया है और आपका जो रैंक आया है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, थोड़ा जितनी एक्सपेक्ट की थी उससे थोड़ी सी कम है बट अच्छी रैंक है. आई गेस मेरी रैंक अच्छी है क्योंकि मुझे जो कंप्यूटर साइंस आगे करना है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है मुझे वो स्ट्रीम मिल रही है. तो ओवरऑल मेरे लिए रैंकिंग अच्छी है. यहाँ इंस्टीट्यूट से किस तरह का हेल्प मिला जब आपने यहाँ पर पढ़ाई शुरू की? देखिए, सबसे पहले तो टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे और यहाँ के जो टेस्ट थे उसके बाद जो उसकी आंसर की आती थी, जो हम एरर्स परफॉर्म करते थे वो थे, जो डाउट सेशंस होते थे यहाँ पे बहुत अच्छे होते थे. और टीचर्स का अगर आपको शाम को भी कोई क्वेश्चंस पूछना है तो टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे. ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पूछा और बहुत दिन हो गए उसका रिप्लाई नहीं आया, इंस्टेंट में रिप्लाई आते थे. टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे और जो टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते थे उसका भी अगले दिन क्लास में डाउट सेशन होता था. तो ज़्यादातर डाउट्स तो क्लास में सॉल्व हो जाते थे और जो नहीं होते थे वो क्लास के बाद हम लोग फैकल्टी से पूछ लेते थे. तो टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था. बहुत अच्छा. ठीक. मेरा नाम प्रियांशु पांडे. इस बार कितने अंक आए जो आपके जो रिजल्ट आए? कितने रैंक? मेरा रैंक 13,000 है और काफ़ी अच्छा रैंक है. मतलब अच्छा कॉलेज में तो मिल सकता है. बाकी नारायणा ने काफ़ी हेल्प करी है इस यहाँ तक लाने के लिए और काफ़ी सारे टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं. मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं, लास्ट तक सपोर्ट करते हैं. अमूमन कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? एवरेज 6 to 7 hours डेली पढ़ता था. तो आज इस रिजल्ट पे खड़ा. अच्छा, नारायणा इंस्टीट्यूट का तो सपोर्ट मिला आपको, ये चीज़ मिला. फैमिली का, परिवार का किस तरह सपोर्ट मिला? फैमिली का तो सपोर्ट होता ही, अगर फैमिली यहाँ एडमिशन नहीं कराते शायद यहाँ होता भी नहीं. और फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता है. बाकी पापा भी हर टाइम हेल्प करते रहते थे. और टीचर नहीं, फैमिली मतलब एडमिशन करा थे, फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया मानसिक? वो तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो था ही और मेंटल सपोर्ट था कि कभी कोई प्रेशर नहीं था कि हाँ इतना करना ही करना है. फ्री माइंडेड रहते थे कि हाँ इतना कर लोगे तो अच्छा होगा. तो कोई प्रेशर नहीं था. तो इसलिए क्या चॉइस है कहाँ पे एडमिशन कराने के योजना? क्या चीज़ आगे के क्या? अच्छा, आगे अभी मेरे को कंप्यूटर साइंस में एक्सेल करना है. किसी अच्छे कॉलेज से बीटेक करके उसके बाद आगे एमटेक वगैरह के लिए करूँगा. अच्छा, तैयारी के दौरान घूमना फिरना, पिक्चरें देखना, इस तरह की चीज़ें कुछ करते क्या? कोई प्रतिबंध लगा था कि कर रहे थे? कर रहा था, रेगुलर बेसिस पे नहीं करता था, कभी महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार ऐसा हो जाता था. मतलब पढ़ाई के साथ में इंजॉय भी करते थे? इंजॉय भी करता था बट लास्ट मोमेंट जब फाइनल टाइम आया था एग्ज़ाम का तब बंद कर दिया था सब कुछ. ठीक ठीक. अपना नाम बता दीजिए. मेरा नाम केशव है. सर कितनी रैंक इस बार जो है आपके? मेरी एडवांस में तो 24,000 है पर मेंस में 96% आए हैं. किस तरह घंटे आप लोग जो पढ़ाई करते थे और आगे की क्या फ्यूचर प्लानिंग आप लोगों ने? मैं तो सर ड्रॉपर हूँ तो मैंने लास्ट जो इस बार लास्ट ईयर था 2022 में मैंने थोड़ी अच्छे से पढ़ाई की थी और अब मेरी प्लानिंग है DTU मैकेनिकल करने की. और आवर्स में एग्जैक्टली कह नहीं पाऊँगा बट मैंने अपनी तरफ से 100% दिया था. ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए. मेरा नाम पीयूष कुमार है. मेरी मेंस में रैंक 34,000 थी, एडवांस में 2001 रैंक है. और अभी 2000 जिस जो कॉलेज बेटर मिलेगा, वैसे CS का प्लान था CS बट टॉप 1000 में मिलती है. तो अभी देखते हैं जो ब्रांच अच्छी टॉप कॉलेज मिलेगा उसमें जाएंगे. नारायणा से किस तरह का सपोर्ट मिला? नारायण से पूरा सपोर्ट है. मैंने 10th भी यहीं से करी थी, 11th 12th मैंने अपने आसपास लोकल कॉलेज से की थी. ऑनलाइन के लिए अच्छा नहीं लगा था बट ड्रॉपर बैच मैंने वापस ज्वाइन किया तो बहुत अच्छा लगा मेरे और अच्छे से हुआ. एडवांस आप रैंक देख सकते तो अच्छा पढ़ा, टीचर्स का अच्छा सपोर्ट था.